अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, 21 नवंबर 2022 बरोज पीर के दिन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इतना खतरनाक भूकंप आया। इस भूकंप में लगभग 268 लोगों की मौत हो गई और 1000 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। इस भूकंप से हजारों घर गिर गए, जिसके चलते तकरीबन 13,000 लोग घर से बेघर हो चुके हैं। घायल लोगों में अब भी 700 लोगों का इलाज चल रहा है। भूकंप से एक मदरसे की इमारत गिरने से कई सारे बच्चों की मौत हो गई। भूकंप की तीव्रता 5.6 रही और इससे पहले भी पश्चिम इंडोनेशिया में 18 नवंबर बरोज जुम्मे को भूकंप आया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है और इसके बावजूद भी यहां के मुसलमान अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, शराब और शवाब में मुब्तला रहते हैं। आज शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने इंडोनेशिया पर अपना कहर नाजिल किया है। और दोस्तों, भूकंप उसी जगह ज्यादा आया करता है जहाँ लोग अल्लाह की नाफरमानी करने लगते हैं, गुनाहों के कामों में मुब्तला हो जाते हैं। उन लोगों को इबरत के लिए ये भूकंप आते हैं। और इन दिनों में पूरी दुनिया और हमारे देश में भी कई मर्तबा जलजले यानी भूकंप आ चुके हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ये जलजले हमारे इबरत हासिल करने और गुनाहों से बचने के लिए भेजता है। तो दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर लें और गुनाहों से बचें और नेक कामों में लग जाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को नेक अमाल करने की तौफीक और अफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या राय है अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इस वीडियो को तमाम दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर कर दें।